नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें तो ब्रेकिंग न्यूज, कृषि कानून वापसी के लिए पहला कदम यहां पर उठा लिया गया है। बड़ी जानकारी है, कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी अब मिल चुकी है। तो जिस तरीके से किसान लगातार इस पर अड़े हुए थे तो अब मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट ने दी कानून रद्द करने की मंजूरी। तो ये बड़ी जानकारी है और अहम जानकारी। कानूनों पर संसद में बाकी की प्रक्रिया अब होने वाली है, बाकी की प्रक्रिया हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी पूरी जानकारी दे दी है। तो अब यहां पर मंजूरी मिल गई है, कृषि कानून वापसी के लिए पहला कदम उठा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ऐलान करने के बाद यह पहला कदम यहां पर उठाया गया है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी भी अब मिल चुकी है। साथ ही साथ आने वाले समय में कैबिनेट ने कानून रद्द करने की मंजूरी यहां पर दे दी है, जिसके बाद कानूनों पर संसद में बाकी की प्रक्रिया होगी। तो मंजूरी मिल चुकी है और बाकी की प्रक्रिया आने वाले संसद में की जाएगी, संसद सत्र में आने वाले समय में यह प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। कृषि कानून वापसी के लिए पहला कदम यहां पर उठा लिया गया है। बीते 12 महीनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, जहां पर कृषि कानूनों को वापसी करने की मांग थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया था कि कृषि कानून जल्द से जल्द वापस ले लिए जाएंगे और अब पहला कदम भी यहां पर उठा लिया गया है। तो यह बड़ी और अहम जानकारी है। मैंने कहा जो घोषणा की थी 3 फॉर्म बिल्स को प्राथमिकता के आधार पर वापस करने की, हमने उसकी औपचारिकता पूरी कर ली है कैबिनेट में। और अगर अगली प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट में जाने की, तो उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर इन बिलों को रिपील करने का प्रोसेस किया जाएगा। जैसा मैं तो कानून पर संसद में बाकी की प्रक्रिया होने वाली है, ऐसे में ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि बीते 12 महीनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे और अब ये किसानों की सफलता यहाँ पर उनको मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर कृषि कानून वापसी के लिए पहला कदम यहाँ पर उठा लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि जल्द से जल्द कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा और किसान अपने घर की तरफ रुख करें। तो ऐसे में किसानों की तरफ से ये बात कही गई थी कि जब तक संसद से कानून रद्द नहीं होता है तब तक घर की तरफ रुख नहीं किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये पहला कदम यहाँ पर उठाया गया है, आने वाले समय में संसद सत्र में बाकी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इसी बीच हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, बड़ी जानकारी है, कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी मिल चुकी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर अब ऑफिशियल जो जानकारी है वो कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से जो है दे दी गई है। अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि जो कानूनी कार्रवाई थी जो करनी चाहिए थी पाम लॉस को जो निरस्त करने के लिए, वो जो है आज की बैठक में उसको जो मंजूरी है वो दे दी गई है। ऐसे में अब जो संसद सत्र है उस दिन जब पहला दिन होगा तो सरकार, ऐसा हो सकता है कि उसी दिन जो है इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए जो बिल है वो जो है संसद सत्र के पहले दिन जो है लाती हुई नजर आए। इसके अलावा जो जानकारी निकलकर सामने आई है किसानों से संबंधित, वो ये कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है जो मुफ्त राशन देती थी उसको जो है फिलहाल मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के हित के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, ऐसे में ये बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। अब कितना समय और लग जाएगा इस कानून को रद्द होने में, क्योंकि संसद सत्र का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, अभी संसद की जो कार्रवाई है वो 29 जो नवंबर है तब से शुरू होती हुई नजर आएगी। आज औपचारिक रूप से आज जो कैबिनेट की मंजूरी है इन कानूनों को निरस्त करने को लेकर मिल चुकी है। तो ऐसे में संसद सत्र की कार्रवाई जब शुरू होगी, क्योंकि कल जब बिजनेस निकलकर सामने आया था लोकसभा का, तो उसमें सरकार की तरफ से जो एजेंडे या फिर जो बिल रखे जाते हैं सदन में, उनमें ये भी था कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराना है। तो ऐसे में अब वो पहले ही दिन जो है 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराने का जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है या फिर कब होता है उसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मंजूरी अब मिल गई है, ऐसे में किसानों के बीच क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, किसानों की अगर बात करते हैं तो किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी 3 कृषि कानून रद्द करने से काम नहीं चलेगा। 3 कृषि कानूनों के अलावा उन्होंने कई सारी मांगे जो है अब सरकार के सामने रख दी हैं,
जिसपे एमएसपी जो है गारंटी कानून जो होना चाहिए C2+50%, इसके अलावा जो बिजली अधिनियम एक्ट है उसको जो है निरस्त जो है किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को जो है जो एक निश्चित राशि है या फिर रिहैबिलिटेशन किस तरीके से किया जा सकता है उसके बारे में जो है सरकार को सोचना चाहिए। जो मुकदमे किसानों के ऊपर इस दौरान दर्ज हुए वो मुकदमे जो है वापिस होने चाहिए। तो कई सारी मांगे जो है किसानों ने एक बार फिर से सामने रख दिया। तो ऐसे अभी आसार इस तरीके के कोई नजर नहीं आ रहे कि किसान जो है इतनी जल्दी झुकते हुए जो है नजर आएंगे या फिर कहेंगे बॉर्डर खाली करते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, जिस तरीके से आपने बताया जहां पर किसान लगातार और भी मांग अपनी यहां पर रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कृषि कानून वापस लेने की पहल यहां पर शुरू हो गई है, ऐसे में किसी नेता से कोई बातचीत हो पाई है? जो किसान मांग रख रहे हैं उस पर सरकार विचार करेगी क्या? देखिए अभी तक सरकार की तरफ से या फिर कहें कि जो तमाम नेता है भारतीय जनता पार्टी के उनकी तरफ से जो नई मांगे निकलकर सामने आई है उनके ऊपर किसी तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार ये कह रही है कि किसान जब सबसे बड़ी बातें जब बैठक भी हुआ करती थी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच में तो वो यही कहते थे कि तीन कृषि कानून रद्द होंगे या नहीं इस पर हाँ या ना में सरकार जवाब दे। जब तीन कृषि कानून रद्द हो गए हैं और सरकार बाकी चीजों पर कमेटी बनाने के लिए तैयार है तो क्यों किसान अब जो है अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इस पर जो है सरकार जो है अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी किसानों की मांगे हैं वो कब तक पूरी होंगी इसके लिए किसान इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि इंतजार लगातार बरकरार बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बात कही गई थी कि किसान अब घर की तरफ रुक कर है, तो गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर की बात करें क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं, तो वहां की स्थिति क्या कुछ बयान देखने को मिल रही है, तस्वीरें क्या कुछ बताती है, किसान कुछ कम हुए हैं वहां पर? देखिए अभी जो है किसी भी प्रकार की कमी जो है जो किसानों के जमावड़े में तीनों ही बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें या फिर टीकरी बॉर्डर की बात करें, वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। और किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि एक बार संसद के अंदर जब ये तीन कृषि कानून रद्द हो जाएंगे तो उसके बाद वो अगली रणनीति जो है बनाते हुए नजर आएंगे। और उससे पहले किसानों की तरफ से एक बड़ा ऐलान ये किया गया है कि वो संसद भवन तक जो है ट्रैक्टर मार्च भी जो है निकालना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आप गतिविधियां आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।